अध्याय 13। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो।